पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। गुरुवार रात भाजपा के ट्विटर हैंडल से इसका ट्रेलर पोस्ट किया गया। शुक्रवार को इस पर मीडिया ने मनमोहन से सवाल किया तो वे बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने इस फिल्म के निर्माताओं को नोटिस भेजा है। संगठन के पदाधिकारियों ने रिलीज से पहले फिल्म उन्हें दिखाने की मांग की है। यह फिल्म पत्रकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। बारू 10 साल तक यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे थे। उधर कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने मीडिया से कहा कि ये भाजपा का खेल है। उन्हें पता है कि सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वो ध्यान भटकाने के लिए यही हथकंडे अपना रहे हैं। यह फिल्म लोकसभा चुनाव से करीब 3 महीने पहले आ रही है, ऐसे में इसकी काफी चर्चा है। ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में कांग्रेस के अंदर की उठापटक को दिखाया गया है। इसमें यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार पर निशाना भी साधा गया। फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर ने और सोनिया गांधी का किरदार जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नेट ने निभाया है। राहुल गांधी की भूमिका में अर्जुन माथुर नजर आएंगे।